नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि सुशांत इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी आत्महत्या को लेकर अब कई तरह की बातें बन रही हैं। कोई बोल रहा है कि वो इंडस्ट्री के कुछ लोगों के रूखे व्यवहार से काफी परेशान थे। क्या थी सुशांत की गलती कि वो सिर्फ एक आउटसाइडर थे जिन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए काफी स्ट्रगल किया था, या फिर उनकी बदनसीबी कि वो किसी स्टार के बेटे नहीं थे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुशांत की मौत के बाद से कई स्टार्स पर निशाना साधा जा रहा है कि सुशांत ने ये सब उनकी घटिया हरकतों की वजह से किया। मीडिया के गलियारों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुशांत को 7 फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। इतना ही नहीं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उन्हें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने भी बैन कर दिया था। इसके चलते सुशांत इस कदर टूट गए थे कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से नेपोटिज्म को लेकर बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। कई बड़ी हस्तियों ने बॉलीवुड पर भाई भतीजावाद को लेकर आरोप लगाए। हाल ही में दबंग के डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप ने सलमान खान और उनकी फैमिली पर उनके करियर को बर्बाद करने के आरोप लगाए थे। वहीं अब फिल्मी दुनिया को अलविदा कह चुके अभिनेता साहिल खान ने कहा है कि उन्हें बॉलीवुड के एक बड़े खान ने फिल्मों से निकलवा दिया था। साहिल खान ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा है, बहुत कम लोगों के साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि अपनी पहली फिल्म के बाद इंडिया की सबसे टॉप फिल्म मैगजीन के कवर पर इंडिया के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ हो, मगर उनमें से एक सुपरस्टार को बहुत बुरा लगा, जबकि मैं तो नया था, उनका फैन था, कमज़ोर था, फिर भी वो मुझे कई बार साइड रोल के लिए बुलाते रहे, टीवी शो के लिए भी बुलाते रहे और फिर कई फिल्मों से मुझे निकलवा दिया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, सोचिए कौन। सुशांत सिंह राजपूत ने उनका असली चेहरा दिखा दिया। साहिल ने आगे लिखा है, दुनिया के वो लोग नए टैलेंट से कितना डरते हैं। 20 साल में जॉन अब्राहम के अलावा कोई बड़ा स्टार फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया, क्योंकि आने ही नहीं देते। केवल स्टार के लड़कों को ही काम मिलता है, सोचिए इसके बारे में। साहिल खान ने अपने पोस्ट में उस खान का नाम नहीं लिया, लेकिन ये इशारा जरूर दे दिया है कि वो सलमान या शाहरुख में कोई एक है। इन दिनों सुशांत की आत्महत्या को लेकर सलमान खान ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सलमान ने सुशांत के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सलमान पर किसी का करियर बर्बाद करने की खबरें आई हों। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर लोग ये कह चुके हैं कि सलमान ने ऐश्वर्या राय बच्चन, विवेक ओबेरॉय और अरिजीत सिंह का करियर भी बर्बाद किया है। वहीं अब साहिल खान के इस खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बता दें कि साहिल ने बतौर एक्टर 2001 में आई फिल्म स्टाइल से डेब्यू किया था। इसके बाद एक्सक्यूज मी, यही है जिंदगी और डबल क्रॉस जैसी फिल्में भी की थी।